भगवान पुष्पतिनाथ, ये भगवान पुष्पतिनाथ का मंदिर है जो काठमांडू शहर में है और ये बहुत बड़ा मंदिर है काठमांडू का, जिसका नाम भगवान पुष्पतिनाथ है। यहाँ हिंदू धर्म से जो ये मुतल्लिक लोग हैं वो बहुत सारे यहाँ आते हैं, पूरे नेपाल में, भारत से और इर्द-गिर्द जितने भी ममालिक हैं, तो यहाँ बड़ी तादाद में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो यहाँ आते हैं। भगवान पुष्पतिनाथ का ये मंदिर, ये इसकी यात्रा पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, ये मकामी लोग भी हैं और बाहर के लोग भी हैं। हमारा जब इस मंदिर में ले जाने का जब ये हमें मौका मिला, तो हमने उस टाइम में भी ये वीडियो रिकॉर्डिंग की और ये मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग ये इस साल 2012 की है, 2012 की ये वीडियो रिकॉर्डिंग है। ये मेन गेट है, जो फ्रंट मेन गेट है ये भगवान पुष्पतिनाथ टेंपल काठमांडू का। ये आप देखें दूर से तो सामने ये हाथी घाट मुजस्मा वो लगा हुआ है, ये मेन गेट है भगवान पुष्पतिनाथ मंदिर काठमांडू। काठमांडू जो नेपाल का दारुल हुकूमत है, नेपाल का कैपिटल है, और ये भगवान पुष्पतिनाथ का जो टेंपल है वो काठमांडू में वाक़ है। तो मैं अपने चैनल मसूद मंगी के आपको अपने चैनल के ज़रिए ये नायाब जो वीडियोस हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे देखने वाले ज़रूर पसंद करेंगे। अब हम ये भगवान पुष्पतिनाथ टेंपल के बाद ये मैं अभी ये जो जब हम यात्रा पे गए तो ये चितवन नेशनल पार्क, चितवन नेशनल पार्क में हम हाथी पे एलिफेंट पे सवार हुए, तो ये हम अभी हाथी पे सवारी कर रहे हैं। ये चितवन का बड़ा नेशनल पार्क है जो 100% नेचुरल है, जो 100% नेचुरल है। यहाँ बड़े से बड़े जानवर, जो खतरनाक जानवर भी हैं, जिसमें शेर, हाथी, चीता, रीछ, हिरन और छोटे छोटे जानवर भी बहुत। ये मैं हाथी पे सवारी कर रहा हूँ, ये हाथी पे हम चढ़े हुए हैं, मेरे साथ मेरा दोस्त सैयद बाली मक्सी मेरे साथ मौजूद है, और ये हमारी रिकॉर्डिंग 2012 की है चितवन नेशनल पार्क काठमांडू की। चितवन नेशनल पार्क, चितवन जो नेपाल का शहर है और जो काठमांडू है वो तो नेपाल का कैपिटल है। दरख्तों से बिल्कुल भरा पड़ा है, कोई बड़े दरख्त हैं कोई छोटे दरख्त हैं, बिल्कुल 100% ये नेचुरल है। और हाथी का तो बड़ा कद होता है और इसे बड़े घर के ऊपर मंजा लगा हुआ है, टूरिस्ट जो होते हैं वो सहूलत के लिए हाथी की ऊपर सवारी करने के लिए मौका मिलता है। पूरा जंगल हाथी के घर
शेर आ जाए भली कोई भी आ जाए लेकिन वो इससे लड़ाई नहीं करता। ये चितवन के बाजार, चितवन का जो बाजार है, बाजार के ये कुछ मनाजर है। ये देखो मोती मूर्तियाँ ये बेचने के लिए। नेपाल मुल्क जो है, नेपाल जिसमें 80% यानी हिंदू आबादी है और जो 15% है वो बुद्ध मत के लोग हैं वहाँ। बाकी जो छोटे छोटे यानी 5% जो बनते हैं वो छोटे छोटे मजहब इस्लाम या कोई दूसरे मजहब वो है नेपाल में। तो मेजॉरिटी नेपाल की जो है वो हिंदू मजहब से ताल्लुक़ रखती है, जिसकी तादाद 80% है नेपाल में। ये चितवन का कुछ पार्क है और ये थोड़ा इसकी मदद को हूँ मैं, इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी मेरे साइड की वो लगी हुई है, जिसकी वजह से आप शायद सीधा इसको नहीं देख पा सकेंगे। मैं ताया दिल से आप देखने वालों से, चाहने वालों से ये माफ़ कर रहा हूँ और मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि ये पुरानी रिकॉर्डिंग है तो इसमें ये ऐड हो गई है। पुरानी रिकॉर्डिंग है उस टाइम में भी ये यूट्यूब चैनल भी नहीं था कि ये उम्मीद ही नहीं थी कि क्या ये हम वीडियोज हम ये अपनी जो मेमोरीज है हम यूट्यूब के जरिए हम देखने वालों को, चाहने वालों को दुनिया में दिखाएंगे। उस टाइम पर ये आइडिया नहीं था तो अब ये थोड़ी मेरी गलती है। मैं कोशिश करूँगा, मैं अपने चैनल मसूद मंगी ब्लॉग जो मेरा यूट्यूब पे चैनल है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। 2012 में भी मेरे दोस्त के पास ये टच फ़ोन था, उसके पास ये टच फ़ोन था लेकिन मेरे पास नहीं था, तो वो दोस्त अपने टच फ़ोन से ही वो रिकॉर्डिंग यानी कर रहा था और मैं मेरे पास बहुत छोटा मोबाइल था तो मैं अपने छोटे मोबाइल से ये रिकॉर्डिंग मैं कर रहा था। उसकी क्वालिटी भी थोड़ी कुछ बिल्कुल वीक है, तो इस हिसाब से मैं अपने देखने वालों, अपने चाहने वालों से माजरत खा हूँ कि मैं जो नेक्स्ट वीडियो मैं रखूँगा तो मैं उसकी वीडियो क्वालिटी की ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छी रिकॉर्डिंग के साथ मैं आपके खिदमत में मैं पेश करूँगा। मैं आपका दोस्त मसूद मंगी कोशिश करूँगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अच्छी से अच्छी वीडियोस जो शेर से आयत और तारीखी पस मंजर, तारीखी इमारात और जो टूरिज्म में सब के उससे भी जुड़ी है या कोई जो बड़े से बड़े ओल्ड एज यानी 100+ नियर 200 उनसे जो है वो मैं आपको वो दिखाता हूँ। उनसे जो डॉक्टर होते हैं, उनसे कचहरी होती है, उनकी तारीख बिल्कुल बिल्कुल शेयर मैं आपके साथ करता हूँ, उनकी ज़बानी। और जब कभी किसी क्रिकेट का मौका होता है, क्रिकेट भी हमारा मैच है तो उसमें भी मैं आपको क्रिकेट की भी बड़ी इंटरटेनमेंट वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये एक म्यूज़ियम है, ये म्यूज़ियम है नेपाल में, उस म्यूज़ियम का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। म्यूज़ियम में बहुत सारी पुरानी पुरानी कठिन चीज़ें हुई हैं। ये म्यूज़ियम चितवन शहर में म्यूज़ियम था, जंगल के साथ बड़ा बड़ा इस छोटे से शहर में फिर म्यूज़ियम भी रखा हुआ था जो जो सयाह हैं, टूरिस्ट हैं, उनको देखने के लिए। ये म्यूज़ियम है नेपाल कल्चर का बड़ा बड़ा पुराना, बहुत पुराना सकाफती कल्चरली जो नेपाल में पुरानी जो साल 200 साल 300 साल 400 साल पुराना जो अशिया इस्तेमाल होती थी वो इस चितवन नेशनल म्यूज़ियम में ये रखी हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नेपाल
ये नेपाली बंदा है, उसका ये मुजस्मा लगा हुआ है, नेपाली ये बंदा है, नेपाली लड़का है, फिर ये नेपाली औरत है, नेपाली मर्द था वो नेपाली औरत है। तो ये म्यूज़ियम चितवन जो एक बड़ा मकाम है नेपाल में, नेपाल की जो सियाहत है वो काफ़ी यहाँ की इंडस्ट्री यानी टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी अहमियत रखती है। 2012 की ये मेरी रिकॉर्डिंग है, चितवन शहर जो 100% नेचुरल पार्क है नेपाल का, ये 2012 की रिकॉर्डिंग जो मैं अपने देखने वालों, अपने यूट्यूब के मेरे सब्सक्राइबर हैं जो जो चाहने वाले हैं उनको लिए मैं ये नया वीडियोस में रख रहा हूँ। ये इंशाल्लाह ताला ये इसके बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी मुझसे, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी इसकी क्वालिटी भी थोड़ी कम है और इसकी ये जो साइड की रिकॉर्डिंग है हो गई है, इसमें ऐड हो गई है। तो मैं बड़ा मदद खाऊँ अपने देखने वालों से, अपने चाहने वालों से। मैं आपका दोस्त मसूद मंगी जल्दी इंशाल्लाह अच्छी वीडियो के साथ फिर मैं आप तो सबने अपने जो दोस्त हैं उनके साथ मैं हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। Thank you.